हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेज प्लानिंग। तो व्हाट इज़ द रिसोर्सेज प्लानिंग? रिसोर्सेज प्लानिंग को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि प्लानिंग है क्या। प्लानिंग होती है जब हम किसी भी एक छोटी सी चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं तो कैसे हैं, हम उनका यूज़ कैसे करेंगे और फ्यूचर में हम उनको कैसे बचा के रखेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन कैसे करेंगे, उनका संरक्षण कैसे रखेंगे, ठीक है, ये है प्लानिंग। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि प्लानिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है, प्लानिंग का मीनिंग तो हम समझ चुके हैं कि प्लानिंग क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। प्लानिंग इज अ शॉर्ट टर्म, प्लानिंग फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है। प्लानिंग 3 महीने की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है, 4 महीने की हो सकती है, 5 महीने की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है। पर स्ट्रेटेजी होती है 10 साल की, 20 साल की, 5 साल की, ठीक है। स्ट्रेटेजी होती है लॉन्ग टर्म, यानी कि बहुत ही लंबे समय के लिए, ठीक है। मीजन, छोटे समय, यानी कि जो हमारा छोटे समय का जो गोल है उसको पूरा करने के लिए हम करते हैं प्लानिंग, और बड़े समय को पूरा करने के लिए हम करते हैं स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो प्लानिंग का मीनिंग समझ लिया हमने, स्ट्रेटेजी का मीनिंग समझ लिया, अब हमें चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? जुडिशियस का मतलब है कि चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना, इस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना रिसोर्सेज का, ताकि वो लास्ट व्यक्ति तक भी पहुँच सके, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको भी वो रिसोर्सेज मिल सके। ये नहीं कि अमीर व्यक्तियों ने ही वे सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए। सपोज पानी है, अगर पानी की अवेलेबिलिटी भारत में पूरे सभी को नहीं होगी तो क्या होगा, इस प्रकार से सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया, और भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विच हैज़ द इनोमडियस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पर भारत में क्या है कि अलग अलग प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं वे मिलते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और जो रिसोर्सेज हैं वे अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, कोयला मिलता है, बिट्टू माइनस कोयला मिलता है, ठीक है। बिट्टू माइनस कोयला छोटा नागपुर से निकाला जाता है, उसे रूर प्रदेश भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के रूर प्रदेश में निकाला जाता है, जर्मनी के रूर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिट्टू माइनस कोयला मिलता है। और बिट्टू माइनस कोयला क्या है, बिट्टू माइनस कोयला एक हार्ड कोयला होता है, और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वलनशीलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पैदा कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम धातुओं को पिघला सकते हैं, और एक बहुत लंबे समय तक वो जलने वाला कोयला होता है। देयर आर रीजन्स विच आर द रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे राजस्थान में अलग प्रकार के रिसोर्सेज मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में अलग वाटर रिसोर्सेज मिलते हैं, बट आर डेफिशिएंट्स इन सम अदर रिसोर्सेज। मगर क्या हो रहा कि धीरे धीरे रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। दे आर द सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशियंट इन द टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। क्या हो रहा कि कुछ समय के लिए भी थोड़े से क्या है कि सेल्फ के लिए तो वे सफिशेंट है, मगर देयर आर सम रीजन्स विच हैव द एक्यूरेट शॉर्टेज ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज। और अगर हम उन्हें देखो किसी छोटे एरिया में वहाँ के यूज के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए यूज के लिए तो वे सफिशेंट है, मगर क्या है कि भारत के जो दूसरे भाग हैं वहाँ पर अगर हम उन्हें पहुँचाने लगे तो भारत में सभी जगह पर वे रिसोर्सेज नहीं मिलते, जैसे कि कोयला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश एंड रिच इन द मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल फॉर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में क्या है कि रिच रिसोर्सेज हैं, जैसे मिनरल्स हैं, अलग अलग प्रकार के खनिज तत्व हैं, ठीक है, कोयला मिलते हैं। मगर क्या है, झारखंड में भी अलग अलग प्रकार का कोयला मिलता है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ के लिए तो वे सफिशिएंट है, मगर क्या है कि भारत में और जगह पे रिसोर्सेज नहीं मिलते। अगर हम वहाँ से भारत की सप्लाई करें दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे वे रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म हो जा, यानी कि वहाँ के लिए वे सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबाउंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में रिसोर्सेज तो बहुत सारे, पानी के रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत सारी नदियां हैं वहां पर, मगर क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार की नदियां तो हैं, मगर क्या है कि वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग प्रकार की नदियाँ तो हैं, बहुत सारे पानी के रिसोर्सेज हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, पहले तो इसे समझ लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जैसे कि वहाँ पर आधारभूत सड़कें नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब कि आधारभूत सड़कें नहीं है,
ठीक है, वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर बातचीत करने के साधन नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका वो सही तरह से वहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहा, ठीक है, उन रिसोर्सेज का, क्योंकि वहाँ पे सड़कें नहीं बना रखी सरकार ने, ट्रेन जाने की कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, वहाँ से भी रिसोर्सेज लाए नहीं जा सकते, यानी कि वहाँ पे जब सड़कें नहीं होनेगी तो वहाँ से रोड से हम उन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ना वाटर सप्लाई है, ना नदी के मार्ग हैं जिससे हम पानी के जहाज़ों के द्वारा वहाँ से भी रिसोर्सेज कन्वेक्ट कर लें, ठीक है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंड्योर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। जैसे कि राजस्थान में क्या है, मैंने बताया था आपको, सोलर एनर्जी वहाँ पे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा है, पर क्या है, सोलर एनर्जी भी अच्छी है, विंड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, पर क्या कर पा रहे हैं हम, विंड एनर्जी का भी सही तरह से वहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रही, वहाँ पर पानी के जो रिसोर्सेज हैं पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, वे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपको पता ही है राजस्थान के अंदर क्या है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे क्या है, इस कारण से वहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है, और वहाँ के जो एरिया है वहाँ पे पानी की सप्लाई भी नहीं होती है। द कोल्ड डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट्स का मतलब है ठंडे मरुस्थल, ठीक है, ठंडे मरुस्थल में क्या होता है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट्स क्या है, कोल्ड डेजर्ट्स में क्या है, कोल्ड डेजर्ट्स, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख इज़ ए रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। आपको पता नहीं है, उस पृथ्वी के उस भाग को भी डेजर्ट्स बोला जाता है जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, लद्दाख है, लद्दाख में पूरी ज़मीन पर बर्फ़ पड़ती है और वहाँ हम किसी प्रकार की एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो इसलिए वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट्स है, ठीक है। एक डेजर्ट्स वो होता है जहाँ पर सैंडी सोयल मिलती है, ठीक है, वो डेजर्ट्स होता है। डेजर्ट्स उस भाग को कहते हैं जिस भाग पर कृषि के लिए कोई भी उत्पादकता नहीं की जा सकती। सपोज करो कि लद्दाख है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में इस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा, और यहाँ पे पूरी पृथ्वी, यहाँ पे क्या है, बर्फ़ पड़ रही, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोल्ड डेजर्ट्स बन जाएंगे, यानी कि पूरी की पूरी जो ज़मीन है वो बर्फ़ से ढकी हुई है वहाँ पर, ठीक है, रेस्ट ऑफ द कंट्री, और इस एरिया में कुछ भी हम यूज नहीं कर सकते। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या है, कल्चरल हेरिटेज का मतलब ये है कि वहाँ पर जो पुरानी संस्कृति है हमारी वो बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ ए डेफिशिएंट इन वाटर, मगर वहाँ पे क्या है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वाटर स्केयरसिटी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, ठीक है, और वहाँ पे क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी चीज़ें कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वहाँ पे सड़कें नहीं है, ठीक है, अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, जिससे हम उन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा सकें। अगर सड़कें अच्छी होगी तो हम उन रिसोर्सेज को वहाँ पर पहुँचा सकते हैं, मगर अच्छी सड़कें अच्छी ना होने के कारण वहाँ रिसोर्सेज नहीं जा सकते। दिस इज़ द कॉल ओवर फॉर ऑफ फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग इज ए नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे रिसोर्सेज प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेशनल, स्टेट और रीजनल। देखो हमारे यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट तीन उसमें बटी हुई है, सपोज स्ट्रक्चर्स देखो इसको, ठीक है, यहाँ पे है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ऊपर क्या आ गई हमारी नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि मोदी जी की सरकार, हमारी नाम सुना ही होगा आपने मित्रों, ठीक है, वो थोड़ा सा है नहीं, मजाक करने का भी मूड होता है मेरा, मजाक में पढ़ाते हैं सारी चीज़ हम, ठीक है, अभी हमने अपना थोड़ा सीरियस मूड में पढ़ा रहे, ठीक है भाई, समझने की कोशिश करो, यहाँ पे थोड़ा सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है, और ये बोरियत महसूस बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमें बोरियत नहीं महसूस करनी, हमें चीज़ों को सीखना है, ठीक है, और ईमानदारी से करने की कोशिश करो, 10 या 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आपके जीवन की आपके अच्छी अच्छे से अच्छी चीज़ हो सकती है। इसके लिए आपको बताने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी रखी भाई, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट एनी रीजन, ठीक है, अगर कहीं पर किसी प्रकार की क्या है अवेलेबिलिटी है, सपोज करो कहीं पर कोयले की खदान है या वहाँ पर खनन किया जा सकता है, तो वहाँ पर उस रीजन की क्या हो जाएगी, पूरी तरह से वो रीजन क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एबसेंस ऑफ क्रॉसपोंडिंग चेंज। क्रॉसपोंडिंग चेंज का मतलब क्या है, वहाँ पे धीरे धीरे देखो क्या होगा, जब कहीं पे ज़्यादा खनन होते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें एक जमशेदपुर एक स्थान है, ठीक है, जिसे हम
जमशेदजी टाटा ने बसाया था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, कोयले के बहुत ज़्यादा उत्पादन होते थे, तो फिर वहीं पे उन्होंने सबसे पहले अपनी स्टील प्लांट लगाया था। स्टील प्लांट लगाया था क्योंकि स्टील को गलाने के लिए सबसे ज़्यादा लोहे की आवश्यकता होती है। और क्या होगा कि वहाँ पे वो फैक्ट्री लगाने की वजह से आसपास के लोग वहाँ पर, कंपनियों के लोग वहीं बस गए। तो इसी प्रकार से जमशेदपुर टाटा के द्वारा बसाए हुए शहर को ही जमशेदपुर कहा जाता है। उससे पहले क्या था, वहाँ पर वो कोयले का एक उत्पादन क्षेत्र था, ठीक है। क्रॉस बर्निंग चेंज का मतलब, इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हाई अंडर डेवलपमेंट। देखो, इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि वहाँ पर डेवलपमेंट जब भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जब भी होगा, जब वहाँ पर रिसोर्सेज होंगे। और रिसोर्सेज के लिए हमें क्या चाहेंगे, इंस्टीट्यूशन चाहेंगे। इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, क्योंकि सारा पैसा आदमी के पास नहीं होता। सपोज आपने एक कंपनी लगाई, कंपनी के लिए आपको पैसे की अवेलेबिलिटी होगी, सरकार की तरफ से आप लोन लोगे, और लोन लेके ही आप उस पैसे को बिजनेस में लगाओगे, और फिर तब जाके आपका डेवलपमेंट होगा। देयर आर द मैनी रीजन्स इन द अवर कंट्री दैट आर द रिच इन रिसोर्सेज, बट दीज आर इंक्लूडेड द इकोनॉमिक बैकवर्ड रीजन। ठीक है, आपने देखा होगा कि जहाँ पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे इकोनॉमिक क्या है, बैकवर्ड एरिया है, ठीक है। क्योंकि बैकवर्ड एरिया क्या हो, बैकवर्ड एरिया वो हो जहाँ पर ग्रामीण से आदमी रह रहे हैं, ठीक है, जंगली से आदमी रह रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी हमारे कोयले की खदाने वगैरह हैं, या हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ जहाँ पे हैं, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, और वो एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है। पिछड़ा इलाका क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। वहाँ पे एजुकेशन ना होने के कारण वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। वे बेचारे भैया जो है, वे मोबाइल या दूसरी चीज़ों से पता ही नहीं है उन्हें। पूरे दिन क्या करें, वे खाने पीने की चीज़ों का ही क्या करते हैं, खाने पीने की चीज़ों को ही इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ऑन द कंट्रेरी देयर आर द सम रीजन्स विच हैव ए पुअर रिसोर्सिस बेस बट दे आर द इकोनॉमिक डेवलप्ड। ठीक है, कुछ आपने देखा होगा कि बहुत से रीजन्स ऐसे हों कि उनके पास कम रिसोर्सिस हैं, बट दे आर इकोनॉमिकल डेवलप, वो अपने आप को इकोनॉमिकल डेवलप कर लें। जैसे कि आपने देखा होगा सऊदी अरब है। सऊदी अरब में क्या है, सऊदी अरब में सिर्फ तेल निकाला जाता है, पर उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार से डेवलप कर लिया कि उन्होंने सिर्फ तेल तेल के बिहाफ पे ही, वहाँ तो पानी भी क्या करना पड़ता है, आप सोच के देखो कि वहाँ पर पानी भी नहीं मिलता, और पानी भी बेचारे मोल लेके पीते हैं, और फिर भी बहुत ज़्यादा रिच कंट्रियों में आते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डेवलप कर रखा अपने रिसोर्सेज के अनुसार। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ ए कॉलोनी रीजन्स रिवेल्स। कॉलोनी रीजन्स का मतलब है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है, जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर कब्जा कर लेता है। जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या कर लिया, उपनिवेश कर लिया, यानी कि अपनी संस्कृति को हमारे पर कर लिया। आप देखते हो कि आप पैंट शर्ट सूट ये अलग अलग तरह के कपड़े पहन रहे, हैट लगा रहे, कोट पैंट पहन रहे, ये कहाँ से आया, ये हमने वेस्टर्न कल्चर को अडोप्ट किया है, यानी कि हमारे पे कॉलोनियलिज्म्स हो चुका है। कॉलोनियलिज्म्स यानी कि हमने भारत दूसरी संस्कृति को अपने यहाँ अडोप्ट किया है। ठीक है, दैट रिच रिसोर्सेज इन द कॉलोनी द वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेडर। फॉरेन इन्वेडर का मतलब है कि जितने भी विदेशी लोग आए हैं यहाँ पर, उनको अट्रैक्ट किया है हमारे यहाँ के रिसोर्सेज ने। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, इनके बागानों में ही चाय की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। या तो अंग्रेजों ने चाय की खेती कहाँ की, या तो चाइना में की, और या कहाँ की, या सबसे ज़्यादा भारत में की। ठीक है, और क्योंकि भारत की जो यहाँ की कश्मीरी या फिर दार्जिलिंग जो चाय है, वो वर्ल्ड की फेमस चाय है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो उनकी चाय की पत्तियों में स्वाद उत्पन्न होता है, वो कहीं नहीं उत्पन्न होता। ठीक है, इस प्रकार से फॉरन जो इन्वेडर थे, यानी कि जो विदेशी निवेशक थे या विदेशी लोग थे, उन्होंने यहाँ पर आकर चाय के बागान के लिए ज़मीन खरीद के यहाँ पर अपने अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शन लगाए। ठीक है, तो वहाँ यहाँ से क्या किया उन्होंने, हमारे यहाँ के जंगल काटे और यहाँ इंग्लैंड वगैरह में भेज दिए। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस वहाँ पर इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि वे दूसरे देशों से दोहन कर रहे थे चीज़ों का। ठीक है, दूसरे देशों से रिसोर्सेज निकाल रहे थे और हमारे यहाँ पर क्या कर रहे थे, वे हमारे यहाँ से वो रिसोर्सेज ले जाते थे और अपने देश में भी तरक्की कर रहे थे। दूसरे जो राष्ट्र हैं, जितने भी राष्ट्र हैं हमारे देश पे, जिन्होंने भी अधिकार किया या जिन्होंने भी अपना कॉलोनी रीजन्स कहीं भी बसाया, वे इसीलिए तो तरक्की पा गए कि उन्होंने उन रिसोर्सेज को पूरी तरह से क्या किया, दोहन किया। ठीक है, इट वॉज द प्राइमरी द हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड कॉलोनाइजेशन कंट्री। ठीक है, दैट हेल्प them to exploit resources of other regions and state में supremacy of the colony। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि supremacy colony उन्होंने इसलिए बना पाए में क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से क्या किया, एक गरीब देश से, सपोज भारत है, ठीक है, ये भारत है, भारत से क्या करा, उन्होंने resources को ले गए,
अपने इंग्लैंड में ले गए, वेल्स पे ले गए, स्कॉटलैंड में ले गए, और यहाँ से रिसोर्सेज को पानी के जहाज़ों के द्वारा ले गए वे। और पानी के जहाज़ों के द्वारा ले जाने के कारण इन्होंने यहाँ से कच्चा माल ले गए, और कच्चा माल को ही इन्होंने पक्के माल में बना के फिर इसी देश में महंगे। सपोज आपने 6 क्लास के एक चैप्टर में पढ़ा होगा कि यहाँ से रुई ले गए वे, ठीक है, महाराष्ट्र से यहाँ से कॉटन ले गए कच्ची, ठीक है, कॉटन ले जाके इन्होंने यहाँ पे विदेशी कपड़े बना के, और विदेशी कपड़े बना के फिर यहाँ पर मान लो 10 रुपये की तो रुई ले गए, और यहाँ पे वही शर्ट 500 रुपये की, 400 रुपये की बेची। तो इसी प्रकार से क्या बन गए, ये सुप्रीमेशी बन गए, ठीक है, गॉड बन गए एक तरह से ये बिजनेस के, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी क्या कर रही है आज, हमारे यहाँ के जितने भी वर्कर हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पर भारत में रिसोर्सेज यानी कि आदमी बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सपोज करो आपने देखा होगा कि 300 रुपये मजदूरी होती है, ठीक है, 300 रुपये मजदूरी होती है, तो अब क्या है कि एक आदमी की जो तनख्वाह है वो 7,000 रुपये है, ठीक है। तो एक आदमी, और एक जगह पर मान लो एक फैक्ट्री में 100 आदमी काम कर रहे, ठीक है, तो कंपनी ने 2,000 रुपये एक व्यक्ति से बचाए, तो कितने रुपए की इनकम होगी, तो 2 लाख रुपए की इनकम होगी अलग से। और एक एक कंपनी में 55,000 या 10-10,000 वर्कर काम कर रहे, तो कंपनियों को क्या फायदा है, ह्यूमन रिसोर्सिस से जो प्रोडक्शन किया जा रहा वो क्या हो रहा, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा सस्ते होने की, यानी कि लेबर सस्ती है भारत में, इस वजह से दूसरी कंपनियाँ हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। आपने देखा होगा चाहे वे फ्लिपकार्ट हो चाहे वो अमेजोन हो, हमारे यहाँ पर किसी भी रिसोर्सेज को सस्ते दामों पर खरीद के महंगे दामों पर उसको प्रोडक्शन करके बेचा जा रहा विदेशी कंपनियों के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा, रिच गेट्स रिच एंड पुअर गेट्स पुअर, ठीक है। इस प्रकार से समान वितरण न होने के कारण जुडिशियस, यानी कि जुडिशियस का मतलब क्या है, जुडिशियस का मतलब है कि पूरी तरह से रिसोर्सेज को सही तरह से बांटना। सपोज आपके घर में, मैंने पहले बताया था, 20 लड्डू आए हैं, और 20 लड्डू में से पता लगा 5 मेंबर हैं, उनमें से 2 व्यक्तियों ने ही सारे के सारे 20 लड्डू खा लिए, तो उन तीनों को मिले नहीं, तो वे तीन कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से समझो कि अगर सारे रिसोर्सेज को खा लिया 2 या 3 व्यक्तियों ने या 3 देशों ने, तो पृथ्वी पर दूसरे रिसोर्सेज की, जिनको दूसरे देशों को जरूरत है, वे रिसोर्सेज का किस प्रकार से यूज करेंगे, ठीक है। Therefore, in the India development in a general, ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, भारत में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, जब अंग्रेजों ने हमारे देश को पूरी तरह से रिसोर्सेज खत्म कर दिए, जंगल खत्म कर दिए, जानवर मार के अपने देश में ले गए, या उनकी चमड़े या जूते दूसरी चीज़ें बना ली, तो हमारे देश में क्या हुआ, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन द पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश में रिसोर्सेज खत्म हो गए, बट आल्सो द टेक्नोलॉजी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। ये क्या हुआ, इस प्रकार से आदमी के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे वे क्या हुए, कि आदमी ने अपना एक क्या हुआ, ये ऐतिहासिक क्या था, एक्सपीरियंस था हमारे लिए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज को भी यूज़ किया उन्होंने, और आपने देखा होगा कि सारे के सारे जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ ऐसी ऐसी जगह, आप ध्यान से देखियो, कभी भी रेलगाड़ी जितनी भी हैं, ये रेलगाड़ियाँ जितनी भी हैं ये नदियों के किनारे क्यों बनाई उन्होंने, क्योंकि आसपास से वे जंगल को काटते थे, और नदियों के मार्गों से सारा का सारा माल ट्रेन के अंदर चढ़ा देते थे, रिसोर्सेज को भर के ले जाते थे, चाहे वे लकड़ियाँ हों चाहे वे फल हों, वे अपने देश में ले जाते थे, फिर उनको प्रोडक्शन करके उनको लेज कुरकुरे या दूसरे जैम बना के या मक्खन बना के, ठीक है, उनको भारत में ही दोबारा बेचा जाता था, ठीक है। एक बोस्टन टी के नाम से भी, आपने 8th में चैप्टर पढ़ा होगा, एक बोस्टन टी नाम से एक पैकेजिंग होती है, एक लिप्टन टी, लिप्टन टी ताज़ा आती है एक लिप्टन की, ठीक है। और ये कंपनी विदेशी कंपनी थी जो आज तक भी सक्रिय है चाय की पत्ती के मामले में, और ये भारत से ही चाय की पत्तियां लेके जाती थी, ठीक है। और इसके बारे में आप, ये 3rd जो चैप्टर है आपका महात्मा गांधी वाला, उसमें देखेंगे कि फिर किस प्रकार से रिसोर्सेज को हमारे देश में जबरदस्ती मनुष्य से खेती करवाते थे, और फिर वे अपने यहाँ नील की खेती करके नील ले जाते थे, क्योंकि नील वगैरह दूसरे कपड़ों में डाई का काम करता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज आर द वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं रिसोर्सेज। आप देख सकते हैं कि बिना किसी रिसोर्सेज के आप
आप सोच सकते हैं कि सोच के देखो कि अगर आपके जीवन में पेट्रोल ना हो तो आप गाड़ी में, मोटर में, स्कूटर पे कैसे घूमोगे बिना उसके तेल के, ठीक है? तो इस प्रकार से क्या, रिसोर्सेज आर द वाइटल एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, बट इरेशनल कंजप्शन, इरेशनल कंजप्शन का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा कंजप्शन। इरेशनल कंजप्शन का क्या मतलब है? इरेशनल कंजप्शन का मतलब है कि मनुष्य बिना ये सोचे कि किसी और व्यक्ति को भी ये चीज़ नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, इससे कोई मतलब नहीं है उसे, ठीक है? वो पूरी तरह से इनका कंजप्शन करने में लगा हुआ है, ठीक है? एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस मे लीड टू द सोशो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है? और उनका पूरी तरह से ओवर यूटिलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा मनुष्य, ठीक है? इस चीज़ को हमें क्या करना, कम से कम करना चाहिए। मैंने बताया ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रकृति का इस प्रकार से दोहन किया जाए ताकि भविष्य में जो जनरेशन है उनके साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि प्रकृति में जितने भी सुनामी, तूफान या दूसरी भी चीज़ आ रही है, क्यों आ रही? ये इसलिए ज़्यादा आ रही क्योंकि आदमी जो है वो रिसोर्सेज का कंजप्शन नहीं कर रहा। सपोज हम पृथ्वी के अंदर से अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज का दोहन कर रहे तो क्या हो रहा, पृथ्वी के अंदर से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रहा। जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कॉपर जैसी धातुएं जब हम पृथ्वी के अंदर से निकाल लेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा और पृथ्वी पर लोड ज़्यादा हो जाएगा, और पृथ्वी पर लोड ज़्यादा हो जाने के कारण फिर हमें सुनामी, सुनामी क्या है, एक एक प्रकार का भूकंप है, ये भी लहरों के अंदर आता है, ये समुद्र के अंदर आता है। और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जब आपस में टकराएंगी, जो दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो फिर क्या होगा, फिर इससे भूकंप की स्थितियाँ होगी और इससे स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो जाएगी, ठीक है? आज के लेक्चर में इतना ही और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो ये अभी टॉपिक पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है? वॉइसिंग हैज़ हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सिस कंजर्वेशन इन दिस वर्ल्ड, देयर इज ए इनफ। देखो महात्मा गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, यहाँ पे ये चीज़ समझने की कोशिश करो। देयर इज इनफ ऑफ एवरीबडी नीड, ठीक है? आदमी की आवश्यकता पूरे करने के लिए तो रिसोर्सिस हैं, एंड नॉट फॉर एनी बड़ी ग्रीड, किसी एक व्यक्ति के लालच के लिए नहीं है। प्रकृति में रिसोर्सिस से सभी की सेल्फिश, सभी का जो आदमी की जरूरत है वे पूरी हो सके, मगर किसी एक आदमी का लालच की कोई सीमा नहीं है। सपोज अगर अनिल अंबानी चाहे तो सारे रिसोर्सेज को निकाल के केरला अगर यूज करने लगे और विदेशों में बेच दे तो क्या होगा भारत की जनसंख्या का, सोच के देखो। द ही पैलेस द ग्रीड द एंड सेल्फिश इंडिविजुअल, यह किसी एक आदमी के सेल्फिशनेस के लिए नहीं है, ठीक है? द एक्सप्लोइटिव नेचर, नेचर एक्सप्लोइटिव नेचर का मतलब क्या है कि अगर आदमी पूरी तरह से उन्हें खुद ही यूज़ करने लगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, तो इसे रूट ऑफ द कॉज, यानी कि ये क्या है, ये किस चीज़ का कारण है, ये ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज डेप्लिशिएशन का, यानी कि रिसोर्सेज की पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है? तो इस प्रकार से हमें रिसोर्सेज को यूज करना ताकि सभी के लिए समान मात्रा में वे रिसोर्सेज बच सके। मैंने बताया था कि एक पानी की टंकी है, सपोज अगर वो एक एक बूंद भी टपकती है ना, लगातार वो एक एक बूंद टपक रही, तो एक साल में 1200 लीटर पानी वेस्ट चला जा, ठीक है? कभी उसके नीचे एक बाल्टी लगा के देखियो आप, वो पूरे दिन में अगर भर गई ना, तो उस एक बाल्टी से आप देख सकते हो दिल्ली जैसे शहरों में 15 या 20 रुपए की एक कैन मिल रही पानी की। तो इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से बचाना चाहिए, ठीक है? तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास, ठीक है? थैंक यू।